हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो बस यहाँ हम कर रहे हैं अपनी मैगी की तैयारी। यही बना रहे मैगी, मैं नहीं बना रही, खाली तैयारी करवा दी संग संग थोड़ी बहुत। तो बस ये छाटा का सामान इन्हें दे दिया है। सुना रहे आज मैगी, आज जो छोटे बेटे ने मस्जिद करी थी मैगी के लिए, तो बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। चाय पानी हम लोगों का सब हो गया था दोपहर से, मैं करीब करीब 10:30 पौने 11 का टाइम है। तो यहाँ ये सोयाबीन वगैरह उबाल के रख ली हैगी, और ये फटाफट सब सामान डाल देते, बताने भी नहीं देते बीच में क्या डाल दिया क्या नहीं डाल दिया, बस डालते चले जाते हैं। मैं कहती रुक जा रुक जा, तो कहते यार तू अपनी वीडियो बनाती रही हो, मैं तो जलेबी बना रहा हूँ अपने अपने हिसाब से। तो यहाँ इन्होंने मटर वगैरह डाली है, और इसमें वो डाली सोयाबीन की बरी, और पत्ता गोभी डाला है, और शिमला मिर्च डाली है, और वो मैगी का मसाला होता है वो डाला है, तो नमक वगैरह डाल के इसको अभी इसमें पत्ता गोभी ही डाली, शिमला मिर्च डाली, और मटर डाली है, सोयाबीन डाला है, और उसमें मिर्च वगैरह ऐड कर दिया। अपने हिसाब से बना रहे हैं, जैसे मैगी बनती है हिसाब से, तो मैगी लगी नहीं रही है कि ये मैगी है, पता नहीं कैसे बना रहे, बोले मैं तो ऐसी बनाऊँगा और ऐसी सब लोग खाना। तो बस यही बना रहे हैं कि तो यहाँ ये पानी डाल दिया इसमें, मैंने कहा अच्छे से चला दूँ से, ढंग से नहीं ये हट गई थी। तो यहाँ बस मैंने पानी थोड़ा सा, वैसे ही पत्ता गोभी तो पानी छूट जाता है। तो यहाँ मैंने सिरका भी डाला है इसमें, सेब का सिरका रखा था वो डाला है, नहीं अच्छा स्वाद आ गया था इसमें मैगी में। तो बस अब ये इन्होंने इसमें मैगी ऐड कर दी है कि तो आज हमने दोपहर में खाली यही कुछ बनाया और कुछ नहीं बनाया, क्योंकि इससे बहुत पेट भर गया एकदम से, काफ़ी सारी बन गई थी एकदम, तो इतना सारा सामान इसमें पड़ गया था। तो फिर यही सब बना, फिर कुछ दोपहर में कुछ नहीं बना, खाने की सबने मना कर दी। मैंने वैसे तो खाने की तैयारी कर ली थी, आलू वगैरह उबाल कर लिए थे, उबाल के रख लिए थे मतलब, तो सबने मना कर दिया था, फिर खाली मैगी ही खाई, उसके बाद फिर कुछ नहीं खाना पीना कुछ नहीं। तो फ्रेंड यहाँ दोपहर हो गई, कपड़े वगैरह सब धो के आ गई, मैं नीचे आ गई, थोड़ी देर सो भी ली, उठी तो मैंने थोड़ी सी मैं नील पेंट लगा लूँ, हाथों में हाथ पे थोड़े से वैसे लग रहे थे, तो यहाँ बस मैंने थोड़ा सा नील पेंट लगाया है, उसके बाद चाय पी करके फिर मैं अपने शाम के बाकी कामों में लगी हूँ। अभी 3:30 का टाइम हो रहा है, ज़्यादा विशेष टाइम नहीं हुआ है, तो नहीं फिर कपड़े वगैरह घर ही करूँगी, कपड़े भी सूख गए हैं, कल के कपड़े भी सूख गए थे और आज के कपड़े भी सूख गए थे, तो बस यही सब करके उठ के उठ गई, यानी बाहर निकल गए थे, तो मैंने सोचा पहले नील पेंट लगा लूँ, उसके बाद बाकी के काम करूँगी, सूख जाएगी जब तक, फिर जो है कपड़े वगैरह घर ही कर लूँगी। तो बस यही नील। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो बस एक देर सो गई थी, उठी होंगी, पहले नील पेंट लगाई, एक हाथ पे लगाया एक हाथ पे नहीं लगाया, लगाऊंगी एक हाथ पे। चाय ले आई थी मेरी बेटी, तो सोचा पहले चाय पी लूँ, फिर शाम के काम में भी लगना है, 4:30 बज रहे हैं। तो बस आज कुछ कोई वीडियो नहीं बनाया, मैंने वीडियो बनाया था सुबह, खाली मैगी बनाई थी मैंने, और अभी बाल भी निकाले ऐसी, तो काटूंगा अभी बाल। आज बनाई थी मैगी सवेरे, छोटा वाला बेटा बहुत जिद पड़ गया, मम्मी मैगी बनाओ मैगी मैगी क्या बोला, वो ले सब्जी लेने गए थे बाहर, तो वो जो है मैगी ले आए, मैगी का मतलब मैगी ऐसी ले आए मैंने कि जिकाय को ले आए, तो कहने लगे कि ले आया हूँ, मिल गई थी दुकान पर ले आया हूँ। तो फिर वो छोटे ने बेटे ने देखी कि मम्मी मैगी बनाओ मैगी बनाओ, तो फिर मैगी बनाए, फिर उसके लिए दोबारा बाजार गए और फिर लेके आए मटर पत्ता गोभी वगैरह ले करके आए, फिर कहने लगे हे मैं सबके लिए बना लूँ मैगी थोड़ी सी, मैं सोची उसे बहला दूँगी थोड़ी सी, अब खाना बना लूँगी। तो फिर सबके लिए फिर हम लोगों ने चाय पानी के बाद फिर मैगी बनाई, उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करा, काम में लग गई। कल बहुत तेज़ आंधी पानी आ गई, तो कपड़े वगैरह मेरे कर रहे रह नहीं गए थे ना, धो दिए थे, बहुत तेज़ आंधी पानी में धोए कपड़े, तो कल सूख नहीं पाए, सुबह सूखे हैं ऐसे कपड़े जो पड़े हैं सारे, अभी के भी सूख गए और कल के भी सूख गए, तो सारे पहले ने तय करके लगाऊंगी, सोचा आप लोगों से बात कर लूँ, इस बीच में अभी निकल गए जो बाहर ने टी वी बंद है, तब सोची पहले यहीं बैठ के ना पहले बोल रहे हैं आप लोगों से बतला लें, तो चाय पी लीजिए आप लोग। तो बस सब यही चल रहा है, लॉकडाउन के 6 दिन रह गए, देखो 6 दिन के बाद पता चले खुले या नहीं खुले। अब शाम को देखो फिर जिद पड़ रहे हैं कि कचौड़ी बनाओ मम्मी कचौड़ी, कचौड़ी की तो कल से जिद पड़ रहा है, क्योंकि कल बारिश वगैरह आई थी तब से जिद पड़ रहा है, कचौड़ी में तो बनाऊँगी, देखो मन तो रखना पड़ेगा, तो कचौड़ी वगैरह बनाऊँगी शाम को, शाम में लगूँगी देखो।
तो ये सब चल रहा है। मतलब बच्चे भी जिद करवा ही लेते हैं पूरी, कैसे ना कैसे करके पूरी जिद करवा ही लेते हैंगे। तो बस मैं आपसे बात कर लूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। फ्रेंड कपड़े वगैरह घर ही कर रही, थोड़े से कपड़े घर ही कर लिए थे पहले, थोड़े से रह गए थे, इन्हें घर ही कराए। और यहाँ अपने बेटे से बात कर रही, छोटे वाले से वो पी रहा है के चाय पी रहे, पता नहीं कुछ खा भी रहा है। हाँ शायद बिस्कुट वगैरह रखे हुए तो उससे खा रहा है। तो उससे बात कर रही हूँ मैं, तो कह रहा है मुझे मत कैमरे में लाल मैसेज के। सो फ्रेंड शाम हो गई, 4:30-5 का टाइम हो गया, मैं इधर निकल आई आ करके। मैं इधर नहीं, थोड़ी सी मैगी खाने लगी, थोड़ी हल्की सी भूख सी लगाई थी, तो फ़ोन आ गया तो बात कर रही थी। वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो बस सारा काम हो चुका है, मैं इधर आ गई हूँ। उधर टी वी चल रहा था, मैं शाम को खाने की तैयारी कर आई हूँ। शाम को खाना मेरा बहुत छोटा वाला बेटा जिद कर रहा है, सुबह उसने मैगी की जिद पकड़ ली। और दोपहर से नहीं, कल से ही वो कह रहा था कि मुझे कचौड़ी वगैरह बना, कचौड़ी खाने को मन है, मम्मी कचौड़ी बना दो। तो मैं कल से ही टाल रही थी उसे, कल बारिश हो रही थी बहुत तेज, तब से ही दोपहर से ही बहुत आंधी पानी और कुछ बारिश शुरू हुई, तब से कह रहा मम्मी कचौड़ी बना लो। तो कल तो मैंने उसे टाल दी, आज सुबह से जिद पकड़ गया। फिर वो मैगी ले आई, तब फिर मैगी के लिए मैगी बना दे। तो आज सब बस उसके मनपसंद खाना बनाया सारा, सुबह भी उसी को पसंद बनाया और शाम को भी। अब कचौड़ी वगैरह तैयारी करके रखाई हूँ, तो सोचा बस आप लोग थोड़ी बात कर लूँ। कपड़े वगैरह सब घर ही हो गए हैं, रखाई हूँ आलू वगैरह उबाल के रखाई हूँ, उनके जाऊँगी शाम को खाने में लगूँगी। ये करीब 4:45 का टाइम है शायद, घड़ी उधर इधर नहीं है घड़ी। सोचा ने बाबू से बात कर लूँ, वीडियो को एंड कर लूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हूँ, अगर पसंद आ रही हूँ तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।